Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope you all are fine and doing well. I'm your teacher, Ms. Kuratlan. Dear students, आज हम साइंस में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. आज हम परिंदों के बारे में पढ़ेंगे और इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स ये बहुत ही खूबसूरत है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स आर ब्यूटिफुल क्रिएचर्स. जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत मखलूक होते हैं. दे फ्लाई इन द स्काई. आप लोगों ने देखा होगा अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द हर जगह आपको बर्ड्स देखने को मिलते होंगे. और आप अक्सर बेशतर देखते होंगे कि बर्ड्स चलते भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बर्ड्स आसमान में उड़ान भरते हैं. All birds have beaks and wings. हर एक परिंदा, चाहे छोटा परिंदा चाहे बड़ा परिंदा हो, हर एक के पास beak and wing. beak यानी कि चोंच जिससे ये खाते हैं, and wings यानी कि पर. हर एक परिंदे के पास beak भी है और wings भी होता है. Peacock is our national bird. Peacock भी एक परिंदा है और बहुत ही खूबसूरत परिंदा है. इसके पर जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत रंगीन होता है, और इसे ये इसकी खासियत ये है कि ये हमारा कौमी परिंदा है. Some birds like penguin and ostrich cannot fly. कुछ परिंदे ऐसे हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन. ये इनके पास बीक भी है, इनके पास विंग्स भी है, लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं. और क्यों नहीं उड़ सकते? अगर ये परिंदे हैं तो उड़ क्यों नहीं पाएंगे? इसलिए नहीं उड़ पाएंगे क्योंकि इनका जो बॉडी का वेट होता है वो बहुत ही भारी होता है, और इनके विंग्स आसमान में इनको लिफ्ट नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए ये उड़ नहीं पा रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में. इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर. इंसेक्ट्स जो है इन्हें हम हर जगह पे देखते हैं, चाहे अपने घर के अंदर भी देखते होंगे, अपने घर के बाहर भी आप देखते हो, कहीं पे भी आप इनको देखते हो. दे आर टाइनी क्रिएचर्स. ये बहुत ही छोटे, टाइनी यानी कि छोटे, बहुत ही छोटे मखलूक हैं. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स. ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं यानी कि ये कीड़े हैं, इनकी कितनी टांगे होती है? इनकी छः टांगे, यानी इनके पास छः टांगे होती है. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स. और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी है जिनके पास पर है. अगर उनके पास पर है इट मीन्स कि वो उड़ भी पाएंगे. और उन इंसेक्ट्स में कौन आता है? जैसे कि हाउस फ्लाई आता है, बटरफ्लाई आता है, बी आता है, ठीक है, ये इंसेक्ट्स उड़ भी पाते हैं. दे कैन फ्लाई एंड क्रावल. ये जो इंसेक्ट्स है, एक तो ये उड़ते भी है और ज़मीन पर रेंगते भी है. क्रावल यानी कि रेंगना, तो ये ज़मीन पर क्रावल भी करते हैं. और उनमें से कौन आता है? जैसे कि चींटी आपने देखा होगा, आपने कॉकरोच देखा होगा. आपने कभी कॉकरोच को या चींटी को उड़ते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो क्रावल करते हैं, वो रेंगते हैं. सम इंसेक्ट्स डू नॉट हैव विंग्स. और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पर नहीं होते हैं, जैसे कि चींटी, इसके पर नहीं है. जैसे कि हम स्पाइडर की बात करेंगे, उसके भी पर नहीं होता है. सम इंसेक्ट्स हैव शार्प स्टिंग्स एंड लॉन्ग एंटेना. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे मैं आपको अभी पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये स्टिंग होता है. इससे क्या होता है? इससे जो इंसेक्ट है ये इंसान को डस लेते हैं. यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कभी चींटी किसी को डस लेती है तो हमें खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है. या कभी बी का जो स्टिंग होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है, उससे भी वो डस लेते हैं, वो कांटा चुबा देते हैं हमारी बॉडी में, उससे हमारी बॉडी में जहर भी फैल सकता है एंड हमें दर्द भी होगा और सेंसेशन भी होती है. एंड हैव अ लॉन्ग एंटेना. जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में, ये लॉन्ग एंटेना होता है. तो इससे क्या करते हैं इंसेक्ट्स? इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये इंसेक्ट्स जो है इसके ज़रिए ये स्मेल ले पाते हैं, सूंघ पाते हैं, और इनके ज़रिए ये फील कर पाते हैं अपने इर्द गिर्द माहौल में इनके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, या ठंड है, या ठंडा कोई चीज़, या गर्म कोई चीज़, बहुत सारी. ये शॉर्ट में इससे फील, ये इनका सेंसेशन फील है, जिसे हम स्किन पे फील कर पाते हैं. इसी तरह इनका ये सेंसेशन पॉइंट है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में जो आपको पढ़ाया आज, आप ये अच्छे से याद रखेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.